आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी उपचुनाव में आज सभी पार्टियां अपनी मेहनत के पसीने से जीत की इबारत लिखना चाहते हैं। इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने शब्दों के वाड़ फेंक कर एक दूसरे पर भरपूर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन आज प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज सभी पार्टियां पूरा जोर लगाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। वहीं अखिलेश ने भी बीजेपी की तुलना ऐसी कंपनी से कर दी जिसे शायद बीजेपी पचा नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बेच रहे हैं, सब बेच दिया इन्होंने। ये कुछ दिन और रहे तो ये सब बिक जाएगा। और याद रखना आप लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया थी, वो कंपनी एक कारोबार करने आई थी भारत में, और एक कानून से कंपनी सरकार बन गई थी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, वो सरकार नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में एक कानून बना, वही कंपनी सरकार बन गई। और आप देखो, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, धीरे धीरे कर करके सब पैसे दे रही है, और हो सकता है एक दिन ये भारत की सरकार भी कंपनी के हाथ में आउटसोर्स हो जाए, कोई और चलाएगा। जब सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। भाजपा प्रवक्ता कंचन द्विवेदी हमसे जुड़ेंगी। कंचन जी, चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए लगातार आरोप और प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है, इस पर क्या कहना है आपका? कंचन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, चुनाव नजदीक है, वहीं सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बता दें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी लगातार जारी है। वहीं अखिलेश ने भी बीजेपी की तुलना एक ऐसी कंपनी से कर दी है जिसे शायद बीजेपी पचा नहीं पाएगी। एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी बेच रहे हैं, सब बेच दिया इन्होंने। ये कुछ दिन और रहे तो ये सब बिक जाएगा। और याद रखना आप लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया थी, वो कंपनी एक कारोबार करने आई थी भारत में, और एक कानून से कंपनी सरकार बन गई थी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, वो सरकार नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में एक कानून बना, वही कंपनी सरकार बन गई। और आप देखो, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, धीरे धीरे कर करके सब पैसे दे रही है, और हो सकता है एक दिन ये भारत की सरकार भी कंपनी के हाथ में आउटसोर्स हो जाए, कोई और चलाएगा। जब सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी का। कंचन जी, चुनाव नजदीक है और लगातार पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जारी है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जी देखिए मयूरी जी, बात यह है कि आदरणीय हमारे अखिलेश जी का थोड़ा सा दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि जो एक व्यवस्था होती है वो उनकी हर तरीके से सुदृढ़ व्यवस्था बिगड़ चुकी है। चाहे वो रामपुर का चुनाव हो, चाहे फिर वो उनके गढ़ हो बड़े बड़े, वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। और अब बचा कुचा एक इज्जत नाक जो दांव पर लगी है, उनके पिताजी की जो सीट है उस पर लगी हुई है, इसलिए वो बहुत बौखलाए हुए हैं और बहुत डर है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें
बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और ऐसे बयानबाजी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील उनका चुनाव होना चाहिए, बहुत गंभीरता से, ये सहानुभूति का चुनाव है, इतने बड़े बड़े बोल बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो इतने बड़े बड़े बोल और इतने गंदे ओछे बयान कर रहे पर उनका ही नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है उनकी, ये संवेदनशीलता में ही उनको बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो अपने ही हाथों, कहते हैं ना कि अपने हाथ से अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेना, वो वही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें उनको करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसे लोगों ने जिताया है, भारत के लोगों ने बनाया है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कब्जा किया हुआ है। तो बहुत कहा जाए कि पढ़े लिखे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उनका कोई भी योगदान डिग्रियों वाला हो रहा है या कोई भी पढ़े लिखे होने का कोई मतलब और मकसद निकल के आ रहा है, जिस प्रकार की वो बयानबाजियां कर रहे हैं। ये सब लोग बड़े राजनेता हैं और बड़ी राजनीति में बड़े दिन अपने उन्होंने लगाए हैं, इसके बावजूद भी उनके बयान इस तरीके से ओछे आ रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है राजनीति के लिए, बहुत दुखद है। जो राजनेता नेतृत्व करने वाला है उसके ही माइंड का आईक्यू लेवल इस तरीके का हो जाए। कंचन जी, जिस तरह अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या इसका असर उपचुनाव में भी देखने को कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैनपुरी चुनाव में इनको बहुत परिश्रम करने की या इस तरीके से बयानबाजियां करने की आवश्यकता थी। बहुत शांति और सुदृढ़ तरीके से चुनाव इनका जाना चाहिए था। और फिर वो सीट कोई मामूली सीट नहीं है, वो नेताजी की सीट है और वो हमेशा से, दो तीन बार को छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा से वहां जीतते आए हैं, तो ये तो बहुत ही अलग सी बात है। और अगर उनमें योग्यता होती और अखिलेश जी का चयन होता तो वो उनके बेटे के तौर पर होता, तो इसमें इतना घबराने वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और परेशानी वाली भी बात है तो फिर ओछा करके वो अपनी ही चीजें कम कर रहे हैं, तो ये उनके माइंड का जो स्थिति है वो समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा हिला हुआ है, बहुत परेशान है वो, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं किसी भी तरीके से राजनीति के तौर पर। देखिए ना, कल परसों का बयान है उनका कि हमारे दोनों मुख्यमंत्री आ जाए और उनको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो जो खुद मुख्यमंत्री ना बन पाया हो वो किसी और को मुख्यमंत्री कैसे बना सकता है। और इनके कार्यकाल में जब भी इनका शासन व्यवस्था आई, शासनकाल आया, तो कब इन्होंने किसी दूसरे को अपने परिवार क्या छोड़ो, इन्होंने अपने आप के अलावा भी किसी को मुख्यमंत्री की सीट दी हो, तो ये बताएं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीट कैसे दे सकते हैं और उनको मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे, तो खुद नहीं बन सके। अब तो उनकी चीजें हैं, बहुत बौखलाएं हैं, इसलिए ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अखिलेश जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कंचन जी, अगर देखें तो सबसे बड़ी लड़ाई इस बार मैनपुरी की मानी जा रही है, जहां सपा और बीजेपी के बीच सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट पर काबिज होना? नहीं, अब बीजेपी के लिए तो एक, देखिए बीजेपी हमेशा से कार्यों के लिए और अपने नाम के लिए, अपनी जनता के दिलों में राज्य करने के लिए जानी जाती है और ये एक व्यवस्था है। खैर, इस चुनाव में बहुत गंभीरता लेने की जरूरत है, क्योंकि नेताजी की सीट है और उनके जाने के बाद की सीट है, तो बहुत लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, बहुत खींचतान की जरूरत नहीं है। और देखते हैं जनता का रुझान अब किस तरफ जाता है। पहले वो नेताजी को चुनते थे, अब अखिलेश यादव में अगर नेताजी की छवि देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो जनता चुनती ही है। जी कंचन जी, मैनपुरी में सीधी बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं देखें तो बीजेपी ने रघुराज शाक पर अपना दाव खेला है। अगर देखें तो वहां पे यादव पहले हैं, फिर शाक हैं और दलित हैं, इस बार मायावती नहीं उतरी है, तो क्या लग रहा है दलितों का वोट किसके हक में जाएगा? देखिए, यहाँ पर ना दलित की बात करूंगी, ना मैं किसी यादव की बात करूंगी, ना शाक की बात करूंगी। यहाँ पर कैंडिडेट बचा हुआ है, क्योंकि वहां के जो बड़े नेता थे अब वो बचे नहीं, ठीक है, और बड़े नेता की सीट पर ये चुनाव हो रहा है, तो कैंडिडेट को देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके, लोकल मुद्दों को देख करके ये चुनाव होगा और वही प्रत्याशी जीतेगा जो जनता के लिए हितों में और उनके दुख सुख में खड़ा होगा। कंचन जी, तो बीजेपी ने रघुराज शाक पर ही अपना दाव क्यों खेला है? क्योंकि रघुराज शाक हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और इसलिए उनके उनके वहां होने का मतलब भी वही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और जमीनी स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और जनता के हितों की बात उठाते रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए वो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे उस क्षेत्र के नेता जो अच्छे होंगे उनका ही चयन होगा, इसलिए उनको चुना गया। जी, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो क्या लग रहा है अभी आप अपने आप को कहां देखती हैं इस चुनाव में?
देखिए प्रचार प्रसार अलग माजरा है, अलग व्यवस्था है, लेकिन सबसे प्रथम जो एक वरीयता आती है वो कामों की आती है, वो एक पार्टी के विचार की आती है कि पार्टी का विचार क्या है, स्टैंड क्या है जिसकी बदौलत जनता उसे चयन करे। तो विचारों को देखते हुए और कामों को देखते हुए हर जगह भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। कोई भी चुनाव हो आप देख लीजिए, उन चुनावों से लेकर के अब उपचुनाव जो अब अभी होते चले आ रहे हैं, जो उपचुनाव उन सब में हम जीत रहे हैं, हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं, ये बचा हुआ आखिरी चुनाव उपचुनाव देखते हैं कि किस तरीके और किस मोड़ में जाता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर आएगी तो वही सुदृढ़ व्यवस्थाएं मैनपुरी में भी लागू होंगी जो पूरे देश में लागू हो रही है। कंचन जी, तो क्या लग रहा है जो तीनों जगह चुनाव होने हैं वहां की जनता क्या देखते हुए वोट करेगी? क्या वो पार्टी का नाम देखेगी या प्रत्याशी का नाम देखेगी या किसी मुद्दे को देखते हुए वोट करेगी? देखिए पार्टी के जो विचार होते हैं वो प्रत्याशी में होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो या फिर समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की विचारधारा आप जानती हैं कि गुंडागर्दी से लेकर के और बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और कब्जानामा बहुत तरीके से इन लोगों की विचारधाराएं वहां से आती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो व्यक्ति के परस्पर व्यक्ति के हितों की बात है, इन सारी विचारधाराओं से होकर के जाती है। तो एक व्यक्ति पार्टी से बनता है और उसकी विचार भी पार्टी से मिले जुले होते हैं, अगर उसके विचार पार्टी से मिले जुले ना हो तो वो पार्टी में ही नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्याशी पार्टी है, पार्टी प्रत्याशी है, दोनों ही चीजें एक साथ लग जाती हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि पार्टी की जीत प्रत्याशी की जीत है और प्रत्याशी की जीत पार्टी की। धन्यवाद कंचन जी हमसे जुड़ने के लिए। इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने शब्दों के बाढ़ फेंककर एक दूसरे पर भरपूर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें आज उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां अपनी मेहनत के पसीने से जीत की इबारत लिखना चाहते हैं। सभी पार्टियां पूरा जोर लगाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। वहीं अखिलेश ने भी बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है, जिसके बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बता दें दोनों पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक रही हैं। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है, बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। बता दें यूपी उपचुनाव में आज सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं। इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने शब्दों के बाढ़ फेंक कर एक दूसरे पर भरपूर कीचड़ फेंकने का काम किया है, लेकिन आज प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज सभी पार्टियां पूरा जोर लगाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं।
इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की तुलना ऐसी कंपनी से कर दी जिसे शायद बीजेपी पचा नहीं पाएगी। एक बार आपको फिर सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी बेच रहे हैं, सब बेच दिया इन्होंने, ये कुछ दिन और रहे तो ये सब बिक जाएगा। और याद रखना आप लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया थी वो कंपनी थी, वो कंपनी एक कारोबार करने आई थी भारत में, और एक कानून से कंपनी सरकार बन गई थी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, वो सरकार नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में एक कानून बना, वही कंपनी सरकार बन गई। और आप देखो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, धीरे धीरे कर करके सब पैसे दे रही है, और हो सकता है एक दिन ये भारत की सरकार भी कंपनी के हाथ में आउटसोर्स हो जाए, कोई और चलाएगा। जब सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। और सबसे बड़ी लड़ाई मैनपुरी की मानी जा रही है क्योंकि यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। बता दें सपा की तरफ से डिंपल यादव मैदान में उतरी है, वहीं बीजेपी ने रघुराज शाक पर दाव खेला है। अगर बात करें मैनपुरी की तो मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव हैं, जिसके बाद शाक हैं, वहीं तीसरे नंबर पर दलित माने जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बसपा ने इस बार कोई भी दांव नहीं खेला है, किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा है, तो सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि आखिर दलित किसके पाले में जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि दलित किसके तरफ जाते हैं, बीजेपी की तरफ कहा जा रहा है। दलित को जिसका साथ मिलेगा या जिस पार्टियों को दलित का साथ मिलेगा वो बढ़त बना लेगी। आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि आखिर दलित किसके पाले में जाते हैं।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं सफात हुसैन बीजेपी से, वहीं प्रवक्ता सफा नितेंद्र हमसे जुड़े हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले हम बीजेपी से सवाल लेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफात जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है, इस पे क्या कहेंगे? मैडम, मैं अखिलेश जी पर क्या टिप्पणी करूं, अभी अभी उनके पिताजी का देहांत हुआ है, वो सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं और अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं। और चूंकि नेताजी के स्वर्गवास से ये यादववादी पार्टी जो है वो नेतृत्व विहीन हो गई है और उनके ऊपर परिवार का भी प्रेशर है और पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनकी जमानत जब्त होने का भी दबाव है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, तो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। कभी वो बयान देते हैं कि 100 विधायक लाओ और जो है मुख्यमंत्री बन जाओ, तो ये लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रहार है कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदने का चैलेंज कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो बयान दे रहे हैं ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर अभी इस तरह का कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है कि जो आदमी अपना दिमागी संतुलन खो चुका हो उसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए। वो नेतृत्वविहीन पार्टी है और वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और जो है वो करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको पता नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुद इतिहास की जानकारी नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और राष्ट्रवादी पार्टी में क्या फर्क है। दोनों में उनको इस चीज का उनको अंतर नहीं मालूम है। तो इतिहास पढ़ने की जरूरत जो है वो अखिलेश जी को है, वो इतिहास पढ़े और पता करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यहाँ कैसे आई थी और क्या हुआ था। राष्ट्रवादी पार्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को वो ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे हैं। इस पर क्या टिप्पणी की जाए, दुखी मन से दुखी है और परिवार की तरफ से भी पीड़ित है और पार्टी जो है उस पार्टी में अपने अस्तित्व को भी बचाना है और पार्टी के भी अस्तित्व को बचाना है, तो इन सब से वो बेचारे जूझ रहे हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव भी मौजूद हैं। नितेंद्र जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है, इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, उनका जो बयान है बिल्कुल समझा और तथ्यगत बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक कंपनी थी, जो कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने और इसके बाद में वो सरकार बन गई, और आज इस देश में एक पार्टी थी जो आई थी यहाँ सरकार चलाने, वो एक कंपनी बन गई है और पूरे देश पर जिस तरीके से दो पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही, सारे जो पीएसयूज थे, सरकारी संसाधन जितने थे, वो ज्यादातर लीज पर दे करके या बेच करके सस्ते दामों अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा कराना चाहती, और वो पूंजीपति मित्र ही आज सरकार चला रहे हैं, वो कंपनी सरकार चला रही है। तो बिल्कुल साफ साफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे जो बोल रहे थे मानसिक संतुलन बताने की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिस तरीके से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आज गुजरात में प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री की गरिमा को खोते हुए गली गली पे जाकर के जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं, सरकार के करोड़ों रुपए को एक राज्य के चुनाव पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री लुटा रहे हैं सरकार के पैसे का, और वहां एम्बुलेंस जैसी बार बार एक ही घटना कराई जाती है सस्ती लोकप्रियता पाने का, इससे सस्ता और कोई उनको तरीका नहीं समझ में आता है कि बार बार एक इवेंट प्रेजेंट किया जाता है, बार बार प्रधानमंत्री के काफिले पर नौटंकी की जाती है, तो इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन क्या बिगड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब जनता ने किसी भी चीज का एक हाइट पर जाने का एक मैक्सिमम एक कैपेसिटी होती, गुरुत्वाकर्षण बल एक समय पर जाकर शून्य हो जाता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति पर पहुंच चुकी है जहां से गुरुत्वाकर्षण बल अब शून्य होता है, अब उनको नीचे आना है, और जिसकी शुरुआत गुजरात से होने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बौखलाई है। और इस तरीके से लेकर के उनके प्रवक्ताओं का बयान इसी तरीके का हो सकता है, यही उम्मीद की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो अपना मानसिक संतुलन का परिचय अपने बयानों से देते जा रहे हैं। निश्चित रूप से डिंपल यादव की जीत होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बौखला, मैनपुरी बचा लीजिए पहले, ये तो जनता बताएगी मैनपुरी की, कैंडिडेट लाते हैं मैनपुरी की जनता बताएगी किसकी जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, ये ध्यान कर लीजिएगा, ये आपके
जहाँ अखिलेश जी ने जो बयान दिया है कि 100 विधायक लाओ, आज भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का भूत कार्यकर्ता भी अखिलेश जी खड़ी नहीं सकते, आप क्या बात करते हैं? धांधली करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नहीं है। एक एक बूथ पे 100-100 वो जो चिन्हित मतदाता है उनके वोट काटने का, उनको सामने डिलीट लिखने का काम कर रही। चुनाव आयोग से हम लोगों ने शिकायत की है, अलग चुनाव आयोग कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, कितना करेगा पता नहीं। तो आज संवैधानिक संस्थाएं भी इस जैसे कि कंपनी का एक विभाग हो उस तरीके से काम कर रहा है, तो बिल्कुल सच बात है उनकी। एक सरकार कंपनी आई थी जिसने कि पूरे देश में व्यापार के बहाने कब्जा किया और फिर वो सरकार बन गई, और यहाँ पर एक सरकार आई जिसने पूरे देश में व्यापार के बहाने अपने पूंजीपतियों के माध्यम से पूरे सरकार को ही कंपनी बना दी। आज कौन चला रहा है सरकार? सरकार 2012 में उत्तर प्रदेश के गुंडे सरकार चलाते थे, दो लोगों के 2012 में उत्तर प्रदेश के गुंडे मुख्यमंत्री आवास से सरकार चलाते थे, अपने भूल गए तड़प रहे हैं, यह याद दिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा जानती है, ये सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रूप से, और ये हताशा है आपके राजकुमार जी, हताशा कि भारतीय 100 विधायक लाओ सरकार बना देंगे, सत्ता की ललक है आपकी, ये मानसिक संतुलन नहीं है तो और क्या है, ये खो चुके हैं मानसिक संतुलन। जनता की किसी भी सरकार से विधायकों को खरीदना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। सफेद हुसैन जी, जिस तरह से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उपचुनाव में इसका कुछ फर्क देखने को मिलेगा? ये अभी मैनपुरी का रिजल्ट आने दीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको, ये अभी अपने ये इसका जवाब जनता देगी, मैनपुरी की जनता इसका जवाब देगी कि विधायक कैसे खरीदे जाते हैं। और जो ये हताशा का बयान दे रहे हैं, ये भूल गए अपने समय की बात, जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2012 में इनकी बनी थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार को गुंडे चलाया करते थे, इसीलिए 150 दंगे हुए इनकी सरकार में, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। अब ये सत्ता की ललक इनको है, बता रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे गुंडों की सरकार थी, गुंडों की सरकार, जनता बहुत कायदे चलती थी, बहु बैठे सड़क पर सुरक्षित कहीं थी, ये पता भूल गया, एक सम्मानित पुलिस के अधिकारी सीओ को हजरतगंज में जीप पर बाइक पर घुमाया करता था, ये जनता से देख चुकी है आपको, तो आप खरीदना से भी नहीं आएगी आपकी सरकार, इससे निश्चित रही है। और बहुत करारा जवाब आपको 2000 मैनपुरी के चुनाव में मिलने वाला है, ये जनता आपको बताएगी मैनपुरी के चुनाव में। समय का इंतजार करिए, 8 तारीख को जनता बताएगी, समय का आप इंतजार करिए, क्योंकि नफरत करने वाले लोग दंगा भड़काने वाले इसका जवाब बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, मैनपुरी से ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है और डकैतों की पार्टी कौन है, पता चल जाएगा गुंडों की पार्टी कौन है, इसका जवाब बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आजादी के लिए इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, राजकुमार जी के पास जाइए, साथ मिलकर 1942 में उनको बताइए वाले कौन लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत जरूरत है, आप जैसे लोग उनके साथ रहेंगे तो उनका दिमागी संतुलन 27 तक ठीक रहेगा। आप लोग एक एक कर अपनी बात करें, मैं नितेंद्र जी के पास चलूंगी। नितेंद्र जी, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, तो अपने आप को मैनपुरी में कहां पर देखते हैं आप? अब अगर मैं चूंकि सड़क पर थे, सड़क पर ही रहेंगे, कैमरा घुमा देता इस समय में, चूंकि खुद जुलूस के अंदर चल रहा हूँ तो आपको ये जनता बता देती कि वास्तव में मैं इस समय मौजूदा समय में डिंपल जी के जुलूस में ही शामिल हूँ गाड़ी के अंदर से, चूंकि गौरव जी के रिक्वेस्ट पर मैं आज लाइव हूँ फोनों पर। अरे नितेंद्र जी, कोई मुस्लिम सम्मेलन कराया था आपने मैनपुरी में? दर्शक भी देख पाते, पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन कराया था आपने? भीड़ है ये बता रही है कि डिंपल यादव, अरे मुस्लिम मोहल्लों में गए थे आप वोट मांगने? सर पे सर बोल रही है, मैनपुरी के मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने गए थे आप? नितेंद्र जी उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानना चाह रहा है कि मुसलमान आपके साथ है? एक भी सम्मेलन नहीं करा पाए आप मुसलमानों का? कौन प्रवक्ता मुझे चुके दिखाई पड़ा यहाँ पर, मैं फोन से जुड़ा हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगने गए थे? कार्यकर्ता काम करे, डिबेट करे, मैनपुरी के चुनाव में एक भी मुस्लिम सम्मेलन कराया आपने? मुसलमानों को गुलाम समझने वाले बताएंगे आप?
आपकी पार्टी मुसलमानों को गुलाम समझती है, आपने एक भी मुस्लिम सम्मेलन कराया? हो सकते हो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बैठ करके इस तरीके की बात कर रहा है तो तुम्हारा जैसा व्यक्ति नहीं, आप बैठ करके बात करेंगे? कितने पैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी बताओगे राष्ट्रवादी पार्टी को? कितने पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बताओगे? अभी ये राष्ट्रवादी पार्टी है, जल्दी से जल्दी बताओ कितने ईस्ट इंडिया कंपनी में फर्क बताइए अपने। ये भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके जो इस तरीके से मुसलमानों के लिए शब्द बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके नहीं, बैठा तो यादव वाली पार्टी में जाता है। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, बूथ पर काम करते हैं। बूथ पर नहीं काम कर रहे हो, पैसे दे के बुलाए गए हो, दलाल हो सकते हो तुम तो। नहीं, पैसे दे के तो आप पैसा दे करके तो संतुलन खो चुके हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला रहे हैं, 100 विधायक लाओ, सीएम बनो। ये चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं, ये जनता का अपमान कर रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा मैनपुरी में। हम मैनपुरी में है, मैनपुरी में आपको इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। मैनपुरी में है और आपको अपनी स्थिति पता चल जाएगी। और गुंडावादी सरकार 2012 से 17 तक चली उत्तर प्रदेश में, रह जाएंगी जनता। गुंडावादी सरकार ये यादववादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अरे गुंडों के हाथों में उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। कहां पाखंडियों, ये जनता बहुत कायदे से जान चुकी है और जनता को ध्यान है, उसी का जवाब मैनपुरी में मिलेगा। रोकना चाहूंगी, चलेंगे संवाददाता विवेक के पास। विवेक, विवेक आपने जमीनी हकीकत लिया था, क्या लगता है दोनों पार्टियां में सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी, कुछ जानकारी दें उसको लेकर? देखिए मयूरी, जो है जो मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन है वो बाकी जगह पे जो बाई इलेक्शन है उससे सबसे खास और बेहद अलग भी है, क्योंकि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का जो है शुरू से गढ़ रहा था। यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव जो है लगातार जीतते आए थे और ये ऐसा पहली बार होगा मैनपुरी में कि ये जो मैनपुरी में अगर कोई चुनाव होगा तो वो नेताजी के अनुपस्थिति में होगा, ऐसा पहली बार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद गोल्डन चांस है मैनपुरी को जीतने का, जो दुर्ग है समाजवादी पार्टी का उसको भेजने का मैनपुरी में। वहीं समाजवादी पार्टी इस मैनपुरी के दुर्ग को भेजने देने के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उसकी प्रतिष्ठा का सवार है, पारंपरिक सीट रही है, नेताजी की सीट रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की साख की ये सवाल है। और जहां तक बात की जाए अगर बयानों की तो जैसे जैसे ही नेताओं में बयानबाजी जो है और जुबानी जंग तेज हो गई है, शिवपाल यादव से लेके अखिलेश यादव की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिवपाल यादव को कंटिन्यू कहा था, तो ऐसे में जितने भी फायर ब्रांड नेता है, दोनों पक्षों के जो बड़े नेता है, अब जुबानी जंग जो है तेज हो गई है। और आज जो है मैनपुरी में प्रचार का आखिरी दिन है, आज डिंपल यादव ने रोड शो भी किया था, जफर नगर में एक रैली भी शिवपाल यादव ने निकाली थी। और जो बयान अखिलेश यादव ने आज दिया है, आज तो लोग बेहद बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कल उन्होंने ऑफर भी दिया था दोनों डिप्टी सीएम को, आज एक इनका नया बयान आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दी कर दी। मयूर, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा पे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत जैसा शासन करने का आरोप लगाया था। इसके पहले जब किसान आंदोलन था, जब किसान आंदोलन में कई किसान जो है वो जमा हो गए थे दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पे अपनी मांगों को रखने के लिए, करीब 7.5 किसान मारे भी गए थे। इसपे भी सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आके व्यापार के माध्यम से हुकूमत करती थी। ठीक जी विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं नितेंद्र जी के पास चलूंगी। नितेंद्र जी, मैदान में सपा की तरफ से डिंपल यादव है मैनपुरी से, तो क्या लगता है डिंपल यादव को जनता का कितना साथ मिलेगा? मैं इस समय मौजूदा समय में जसवंत नगर विधानसभा में मौजूद हूँ जहाँ डिंपल यादव जी का रोड शो हो रहा है, और मैं पिछले करीब 10 दिनों से यहाँ मैनपुरी में ही हूँ, लगभग 500 विधानसभाओं में गया हूँ, और जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, आज चूंकि मैं फोनों पर हूँ, चूंकि इसी दुरुस्त की वजह से मैं स्काइप से नहीं जुड़ पाया, वरना मैं आपको और आपके दर्शकों को दिखाता कि जिस तरीके से अपार जनसमूह, और मार्केट से निकल रहा हूँ तो जिस तरीके से जनता सड़कों पर निकल करके डिंपल जी का स्वागत कर रही है, ये बात बताने के लिए पर्याप्त विरोधियों को कि लाखों की लीड होगी, हजारों में नहीं लाखों में की लीड से डिंपल यादव जीतने जा रही हैं, और फिर से मैनपुरी में एक बार समाजवादी पार्टी का ये भीड़ कितना पैसा देके लाए थे आप? कितना पैसा देके भीड़ लाए हैं आप बताएंगे?
परंपरा की सीट नहीं होती है, जनता चुनाव में वोट करके भारतीय जनता पार्टी को विजय करने भेजेगी। इस बार डिंपल जी की जमानत जब कभी परंपरागत कुछ नहीं होता है, भूल जाइए आप। पहले भी आपने देखा था, ये चुनाव है, परंपरागत कुछ नहीं होता है, किसी की सीट नहीं होती है। ये जनता जान चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा देख लो तुम्हारा मंत्री नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार को गुंडे चलवा करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खाने के डिब्बों के साथ में शराब के क्वार्टर बांध रहे हैं, ये भीड़ और पैसे दे के ला रहे हैं ना, ये सब जवाब मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का करेक्टर है, समाजवादी कार्यकर्ता पैसा ले करके रहे या आपके राजकुमार को समझाए, ये पार्टी संतुलन को बैठे हैं, वरना चुनाव से पहले कहता नहीं क्या हो जाए, देख रहिएगा कहीं एडमिट ना हो जाए। आपको मोर्चा ना आ जाए, भारतीय जनता पार्टी तुम्हें बाहर कर दे। अरे आप देख रहे हैं, पैसा लेकर के तुम्हारे भेजा जाता है कि जाओ मुसलमानों को के साथ में बैठ करके उनको दलाल बताओ जा करके। अरे आप बताओ, मुस्लिम सम्मेलन कराया मैनपुरी में? हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी कराती, घूम रहे पसमानदा कराओ, ये कराओ, हम लोग समाज की राजनीति करते हैं, सरवाना की राजनीति करते हैं, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, समाजवादी वो विचार रहा है। सम्मेलन की जरूरत नहीं। सफात ने जिस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है, और सबसे बड़ी चुनौती मैनपुरी सीट पर काबिज होना है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बीजेपी के लिए? मैं चुनौती कहाँ है, कार्यकर्ता काम कर रहा है और जनता इनके छल कपट को समझ चुकी है कि जिनका मुखिया कहे कि 100 विधायक लाओ सीएम बन जाओ, खरीद फरोख पहले ही शुरू कर दिए, तो उनको तो जवाब मिलने ही वाला है, जमाना जब्त होने वाली है डिंपल जी को। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो है वो मेहनत कर रहा है, और चुनाव जो है ये हम लोग टेंशन का नहीं है, ये जमाना जब्त होगी डिंपल जी की, आप देखिएगा ये कार्यकर्ता इनको जवाब देगा कि 100 विधायक लाओ सीएम बन जाओ, ये ऑफर इनको जो है ना बहुत महंगा पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, राष्ट्रवादी पार्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी बताया, इसका जवाब जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब देगा, मैनपुरी के अंदर मैनपुरी का वोटर जवाब देगा। ये परंपरा का सीट नहीं है, ये चुनाव है, चुनाव इस बार इनको समझ में नहीं होगा कि हमको जनता जो है क्या जवाब देने वाली है परंपरा का सीट पर। संपैति नेताजी के साथ थी, संपैति ऐसे को साथ नहीं होती है जिनकी सरकार को गुंडे चलाने होते थे, गुंडे और माफिया चलाते थे 2012 से लेकर 2017 तक काम करते हैं। 2017 तक हजरतगंज में सीओ को जीप पर बांध कर इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है सीओ को हजरतगंज में टहलाया था। ये जनता बहुत जनता को याद है, ये सारी चीजें याद है, 150 दंगे याद है, ये सारी चीजें याद है। ये वही डिंपल यादव है जो कन्नौज से हार करके आई है, मैनपुरी में जमानत जब्त होने वाली है। आप सभी को रोकना चाहूंगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।